हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ओथेलो अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ओथेलो की जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, कोटेशन लोग कहते हैं कि सबसे टफ काम है लर्न करना, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इजी काम है कोटेशन को लर्न करना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप कोटेशंस को हमेशा के लिए लर्न कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, एक बड़ी फेमस कोट है और एग्जाम में भी आई है TGT के, आर बॉडीज आर आर गार्डन, कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हमारा गार्डन होता है। चलिए पहले लिख देता हूं। हमारी बॉडी है वो क्या है? हमारा गार्डन है। और किस सेंस में है ये? देखिए, इयागो कह रहा है रोड्रिगो से। और क्यों कह रहा है इयागो? कह रहा है कि जो हमारा शरीर है वो तो एक गार्डन के समान है। जैसे गार्डन है, गार्डन में आप कुछ भी उगा सकते हो, चाहे आप अच्छी चीजें उगा लो या आप खराब चीजें उगा लो। तो इसीलिए इयागो रोड्रिगो से कहता है कि अगर डेस्डिमोना ने शादी कर भी ली है तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी मैं ओथेलो से डिवोर्स करा के, और मैं तुम्हारी शादी फिर भी मैं डेस्डिमोना से करा दूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ओथेलो जो है वो रोड्रिगो से पैसा ऐंठने का काम करता है, और पैसा जो लेता है वो उसका एक ही मोटिव है। चूंकि रोड्रिगो डेस्डिमोना से प्रेम करता है, वो चाहता है मैं डेस्डिमोना से शादी करूं, लेकिन डेस्डिमोना ओथेलो के साथ चली जाती है। तो यहाँ इयागो रोड्रिगो से कह रहा है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम पॉजिटिव बने रहो, और पॉजिटिव बने रहोगे तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो तब ये कोटेशन वो कहता Heaven is my judge, कि heaven जो स्वर्ग है वो तो मेरा जज है। I for love and duty। ये भी इयागो कह रहा है। और फ्रेंड्स, क्यों कह रहा है? देखिए, जो कैसियो था, कैसियो को प्रमोशन पा जाता है, यागो का प्रमोशन हो नहीं पाता। तो प्रमोशन में जो था ओथेलो का रोल था। तो तब ये कह रहा है यागो कि जो ईश्वर ही मेरा जज है, न्याय तो ईश्वर करेगा, चाहे वो प्रेम हो या ड्यूटी हो। क्लियर फ्रेंड्स? यागो को देखिए, यागो क्या है? एक मोटिवलेस विलेन यागो को कहा जाता है। चलिए लिख देता हूं मैं इस बात को भी यहां। मोटिवलेस विलन, मोटिवलेस का मतलब क्या है फ्रेंड? जिसका कोई मोटिव ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो, ऐसा विलन। क्लियर? तो इयागो को मोटिवलेस विलन कहा है, और वो किसने कहा है फ्रेंड्स? एसटी कॉलरिज ने। बट वर्ड्स आर वर्ड्स, लेकिन शब्द तो शब्द होते हैं। I have here did here that the bruised heart was pierced through the ear. एक्चुअल में क्या था? बर्बंशियो कह रहा है, ड्यूक से कह रहा है कि शब्द तो केवल शब्द होते हैं, वो उन लोगों को सांत्वना प्रदान नहीं करते जिनका दुख वास्तविक होता है। क्लियर? कि बातें कहने को लोग बना देते हैं, शब्द तो शब्द है, वो जो दुखी व्यक्ति है, दुखी हार्ट है, उसको वो सांत्वना प्रदान नहीं करते। एक्चुअल में बर्बंशियो क्यों दुखी है? वो दुखी है कि डेस्डिमोना उसकी बेटी एक ब्लैक मूड के साथ चली गई है। तो वो ड्यूक से इस बात को कह रहा है कि बट वर्ड्स आर वर्ड्स, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इतने। बट वर्ड्स आर वर्ड्स, कि शब्द तो केवल शब्द होते हैं।
आई हैव यट डिड हियर दैट द ब्रूज्ड हार्ट वॉज पर्स थ्रू द ईयर। बस इतना ही लर्न कर लीजिए। ये कौन कह रहा है फ्रेंड्स? प्रबंसियो टू डियोग। बात क्लियर हो गई है क्यों कह रहा है? दैट आई डिड लव द मूड टू लिव विद हिम, माई डाउन राइट वॉयलेंस एंड स्टॉर्म ऑफ फॉर्च्यून मे ट्रम्प टू द वर्ल्ड। देखिये, डेस्डिमोना उस मूर के साथ शादी कर लेती है, तो डेस्डिमोना यहां ड्यूक से कह रही है, क्या कह रही है? दैट आई डिड लव द मूड टू लिव विद हिम, कि मैंने तो रहने के लिए, मैं जो प्रेम कर रही हूं, मैं प्रेम करना है मुझे, साथ रहना है, और इसके लिए मैंने किसको चुना है? उस ब्लैक मूर को चुना है। क्लियर? तो इस बात को ये डेस्डिमोना कह रही है, और किससे कह रही है? ड्यूक से वो कह रही है इस बात को। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आगे एक कोटेशन में आती है कि डेथ इज आर फिजिशियन। कि जो मृत्यु होती है वो हमारा फिजिशियन होती है, वो हमारा डॉक्टर होती है। इस बात को एक्चुअल में देखिए रोड्रिगो कह रहा है, वो किससे कह रहा है? वो कह रहा है इयागो से। और क्यों कह रहा है? रोड्रिगो दुखी है। दुखी क्यों है? वो कह रहा है कि जब जीवित रहना दुख से भरी कहानी बन जाए तो मर जाना ही बेटर होता है। और क्यों मर जाना बेटर होता है? क्योंकि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। क्योंकि रोड्रिगो दुखी है, और दुखी होने का कारण वो आपको पता है कि रोड्रिगो क्यों दुखी है। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इनको नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए इयागो आगे रोड्रिगो से एक लाइन और कहता है, वो कहता है देयर आर मेनी इवेंट्स इन द वूम ऑफ टाइम विच विल बी डिलीवर्ड। कि जो समय है, समय के गर्भ में तो बहुत सारी चीजें अभी हैं जो बाहर आनी है। मींस बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ घटित होने के लिए है। इट मींस कि तुम धैर्य बनाए रखो, तुम आशा बनाए रखो, तुम्हारी जो शादी है वो डेस्डिमोना के साथ हो जाएगी। कौन कह रहा है? इयागो। किससे कह रहा है? रोड्रिगो से। क्लियर फ्रेंड्स? देयर आर मेनी इवेंट्स इन द वूम ऑफ टाइम। In the womb of time, womb किसे कहते हैं फ्रेंड्स? गर्भ को। Which will be delivered? Iago to Rodrigo. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? Is the curse of service, preferment goes by letter and affection, not by old gradation. जो इयागो है उसका भी दर्द छलक रहा है, उसको तो डिग्रेड किया गया और कैसियो को अपग्रेड किया गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो तब वो इस बात को कह रहा है कि इट इज द कर्स ऑफ सर्विस। कि जो सर्विस है, सर्विस का एक कर्स है, दुर्भाग्य सर्विस का है कि प्रीफरमेंट गोज बाय लेटर एंड अफेक्शन। प्रीफरमेंट गोज बाय लेटर एंड
एंड अफेक्शन, नॉट बाय ओल्ड ग्रेडेशन। कहना कि ओल्ड ग्रेडेशन है, जो सीनियरिटी है, जो एज की सीनियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहां जॉब में सीनियरिटी नहीं मिलती, ये तो स्नेह के कारण कहीं से मिल जाती है। क्लियर? यानी बॉस जिसको प्रेम करते हैं वो उसको प्रमोट कर देते हैं, अदरवाइज हमें सीनियरिटी नहीं मिलती। बात क्लियर है फ्रेंड्स? एक और कोटेशन बड़ी प्यारी आती है कि वी मस्ट थिंक Men are not gods. Gods की हमें सोच लेना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि जो मैन है वो देवता नहीं है। ये कौन कह रही है फ्रेंड्स? ये कह रही है डेस्टिमोना। जो व्यक्ति है, आदमी आदमी होता है, वो ईश्वर नहीं होता, वो देवता नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स? माय पार्ट्स, माय टाइटल एंड माय परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली, कि मेरा जो पार्ट्स है, मेरी योग्यताएं हैं, माय टाइटल मेरा जो पद है, एंड माय परफेक्ट सोल और जो मेरी आत्मा है, वो मैनिफेस्ट मी राइटली, वो मुझे सही तरीके से प्रकट करती है कि मैं क्या हूं। कौन कह रहा है इस बात को? इसको ओथेलो कह रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? माय पार्ट्स, माय टाइटल एंड माय परफेक्ट सोल कि मेरी जो टाइटल, मेरे जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स से मतलब फ्रेंड्स या मेरी योग्यताएं, माय टाइटल मेरा जो पद, मेरी स्थिति और मेरी आत्मा। क्लियर? शैल मैनिफेस्ट मी राइटली। और वो मुझे सही तरीके से व्यक्त करती हैं, ये चीजें मुझे सही तरीके से व्यक्त करती हैं कि मैं क्या हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? कोटेशन क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए जो इयागो है वो एक मैकियाविलियन टाइप का विलियन कहा जाता है। मैकियाविलियन एक्चुअल में जो मैकियाविली थे फ्रेंड्स, वो एक इटालियन थिंकर थे और उनका कहना था कि वर्च्यू हैव नो प्लेस इन द एक्शन। ये मैकियाविली की फिलोसफी थी कि जो वर्च्यू है, किसी ट्रेजेडी में वर्च्यू का कोई स्थान नहीं होता। वर्च्यू कहते हैं गुड क्वालिटीज को, सद्गुण को, अच्छी क्वालिटीज को। क्लियर? तो यागो को एक मैकियाविलियन टाइप का विलेन कहा जाता है। मैकियाविलियन टाइप ऑफ विलेन। और मैकियाविली की क्या फिलॉसफी थी? मैकियाविलियंस फिलॉसफी कि वर्च्यूज हैव नो प्लेस इन द एक्शन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? If husbands are false, why not wives? Emilia कह रही है कि अगर husbands हमारे false हो सकते हैं
तो वाइब्स क्यों नहीं हो सकती? एक्चुअल में इमिलिया ये डेस्डिमोना से इस बात को कह रही है. क्लियर फ्रेंड्स? इव If husbands are false, why not wives? कि अगर husband false हैं तो wife क्यों नहीं हो सकती? इमिलिया कह रही है to Desdemona. देखिए इमिलिया lady in attendant होने के साथ साथ डेस्डिमोना के एक डेस्डिमोना का और इमिलिया का एक बड़ा हेल्दी कन्वर्सेशन रहता है हर जगह, और दोनों एज ए फ्रेंड यहां ट्रीट करती हैं. क्लियर फ्रेंड्स? एक्ट थर्ड है यहां. एक्ट थर्ड के सीन सेकंड में, एक्ट थर्ड के नॉट सीन सेकंड बट सीन थर्ड में, एक्ट थर्ड के सीन थर्ड में फ्रेंड्स यहां एक टेम्पटेशन सीन होता है. ये फेमस सीन है टेम्पटेशन सीन, और टेम्पटेशन कहते हैं देखिए लालच को. एक्चुअल में क्या होता है इस सीन में कि जो ओथेलो है वो ये समझ जाता है, ओथेलो को कन्विंस कर लिया जाता है, बिलीव ओथेलो का बिलीव करा दिया जाता है कि जो तुम्हारी वाइफ है डेस्डिमोना है वो डिसलॉयल है. क्लियर? कि उसके अनैतिक संबंध है और किसके साथ है? तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट है कैसियो, कैसियो के साथ उसके रिलेशन है. क्लियर फ्रेंड्स? किल मी टुमारो, लेट मी लिव टुनाइट. कि मुझे कल मार देना, आज मुझे जिंदा रहने दो. बात क्लियर? कौन कह रहा है इस बात को? जब एक्चुअल में डेस्डिमोना को मार रहा है ओथेलो, तो तब डेस्डिमोना इस लाइन को कहती है, ओथेलो से कह रही है, वो एक भीख मांग रही है अपनी जान की, और वो कह रही है कि किल मी टुमारो लेट मी लिव टुनाइट, कि आज मुझे रहने दो, आज मुझे जिंदा रहने दो, कल मुझे मार देना. बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा. आई केयर नॉट फॉर दाई सॉल्ट, कि मैं तुम्हारी तलवार की चिंता नहीं करती. आई मेक दी नॉन दो आई लॉस 20 lives, मैं तुम्हें बता के रहूंगी चाहे मुझे 20 बार अपने जीवन को क्यों ना कुर्बान करना पड़े. क्लियर फ्रेंड्स? आई केयर नॉट फॉर दाई सॉल्ट. मैं तुम्हारी तलवार की चिंता नहीं करती. आई मेक दी नोन दो आई मेक दी नोन दो, कि मैं तुम्हें बता कर रहूंगी आई लॉस्ट 20 lives, चाहे मुझे 20 बार अपने जीवन को क्यों ना खोना पड़े. देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये लास्ट सीन से ली गई है लाइन है लास्ट एक्ट में. जब डेस्डिमोना को ओथेलो मार देता है तो जो इमिलिया है वो एक्सपोज कर रही है ट्रूथ को, वो ट्रूथ को बता रही है क्या सच्चाई है, क्या है, कैसे है. क्लियर फ्रेंड्स? तो इमिलिया इस बात को कह रही है, वो किससे कह रही है? वो ओथेलो से ये लाइंस कह रही है. इमिलिया तो पता लग गई होगी आपको कौन है. आई वॉन्ट आई दैट एम क्रूअल यट मर्सीफुल, कि मैं बड़ा क्रूअल हूं लेकिन फिर भी मैं दयालु हूं. आई वुड नॉट हैव दी लिंगर इन दाई पेन, कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं तड़पने दूंगा. कि मैं क्रूअल तो हूं
लेकिन फिर भी मैं दयालु हूं। क्लियर फ्रेंड्स, आई दैट एम क्रूअल। मर्सीफुल, आई दैट एम क्रूअल, आई एम यट मर्सीफुल, कि मैं बड़ा क्रूअल हूं लेकिन फिर भी मर्सीफुल हूं, फिर भी मैं दयालु हूं। आई वुड नॉट हैव लिंगर दाय पेन, कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं तड़पने दूंगा। मैं दयालु हूं और मैं तुम्हें दर्द में नहीं तड़पने दूंगा। ओथेलो कह रहा है, और किससे कह रहा है वो फ्रेंड्स? जब डेस्डिमोना को मारता है तब ये बात वो कह रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैव पास, कि उसने तो मैं जो खतरों से खेलता था उसने मेरे खतरों से प्रेम किया। एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम, और मैंने उससे इसलिए प्रेम किया कि वो दयालु थी। दिस ओनली इज द विच क्राफ्ट आई हैव यूज्ड, कि यही विच क्राफ्ट है, यही जादू टोना है जो मैंने यूज किया। एक्चुअल में ओथेलो को कहा जाता है, ब्रवंशियो कहता है कि इसने तो एक जादू टोना किया है और उस विचक्राफ्ट को करके मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया और वो उसको भगा के ले गया। तो तब ओथेलो इस बात को कह रहा है कि यही जादू टोना है, कि मैं तो बहादुर हूं, बस यही जादू टोना मैंने किया है, और कोई जादू टोना मैंने नहीं किया। क्लियर फ्रेंड्स, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स। कि उसने तो मुझे जो मेरे खतरे थे उनसे प्रेम किया है। आई हैव पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम। बात क्लियर हो गई है, और उसने क्योंकि वो दयालु थी। दिस ओनली इज द विच क्राफ्ट आई हैव यूज्ड, और कौन कह रहा है इस बात को? ओथेलो कह रहा है। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स, दोनों तीनों कोटेशन ये क्लियर हुई आपको? तो चलिए नोट कर लीजिएगा इनको फिर। माई नॉवल फादर, कि मेरे सभ्य पिता, मेरे कुलीन पिता, आई डू परसीव हैव अ डिवाइडेड ड्यूटी, कि मैं तो डिवाइडेड ड्यूटी कर रही हूं। टू यू आई हैव बाउंड फॉर लाइफ, और मेरी डिवाइड ड्यूटी किस किस के लिए है भाई? एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरा परिवार है, यानी मेरा हस्बैंड है। क्लियर फ्रेंड्स, कि डेस्डिमोना कह रही है ब्रवंशियो से, यानी अपने फादर से, कि माय नोबल फादर आई डू परसीव हैव अ डिवाइडेड ड्यूटी। और क्यों कह रही है आई डू परसीव हैव ए डिवाइडेड ड्यूटी? देखिए एक्चुअल में क्या है, ब्रवंशियो कहता है अपनी बेटी के लिए कि जो मेरे प्रति फेथफुल नहीं रही है वो ओथेलो के प्रति फेथफुल क्या होगी। वो ओथेलो से कहता है कि ओथेलो जो अपने बाप की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी। क्लियर फ्रेंड्स, तब डेस्डिमोना इस बात को कहती है कि माई नोबल फादर आई डू परसीव हैव ए डिवाइडेड ड्यूटी। क्लियर, टू यू आई हैव बाउंड फॉर लाइफ।
डेसडिमोना कह रही, बात क्लियर फ्रेंड्स? आई एम हिदर टू योर डॉटर, बट हियर इज माई हजबेंड एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर, सो टू यू प्रिफरिंग यू बेटर देन फादर. वो कह रही है कि मैं तो तुम्हारी बेटी हूं, एक तरफ तुम्हारी बेटी हूं और एक तरफ ये मेरा हस्बैंड है, और मुझे जो ड्यूटी यहां करनी है वो तुम्हें भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, और इसमें मुझे किसको प्रेफर करना है, मुझे अपने हस्बैंड को, यानी मुझे ओथेलो को प्रेफर करना है, जैसे कि मेरी माँ ने तुम्हें प्रेफर किया था अपने फादर को छोड़ के. ये एग्जाम्पल डेसडिमोना यहां दे रही है बरोनसियो से. क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि आई एम हिदर टू योर डॉटर बट हियर इज माई हस्बैंड. आई एम हिदर टू योर डॉटर, आई एम हिदर टू योर डॉटर, कि मैं इधर तुम्हारी बेटी हूं, बट हियर इज माई हस्बैंड, लेकिन मेरा एक तरफ हस्बैंड है, यहां मेरा हस्बैंड है. ये दोनों लाइन क्लियर हुई फ्रेंड्स? एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर सोड. और वही ड्यूटी जैसे कि मेरी माँ ने शो की, जो ड्यूटी मेरी माँ ने की, माई मदर शोड टू यू, प्रेफरिंग यू बेटर बिफोर हर फादर शोड टू यू, प्रिफरिंग यू बिफोर हर फादर. बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? लाइन क्लियर हुई? एज माई मदर शोड टू यू, कि वही ड्यूटी जो मेरी माँ ने तुम्हें, तुम्हारे प्रति दिखाई, अपने पिता से तुम्हें प्रेफर करके, मीन्स अपने फादर को प्रेफर नहीं किया मेरी माँ ने, फादर की जगह तुम्हें प्रेफर किया. बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये भी डेसडिमोना कह रही है टू बर्बनसियो. बात क्लियर है फ्रेंड्स? एक्चुअल में टॉपिक लेंदी हो रहा है, आज का लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो क्यों ना हम आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर लें, और बाकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे. तो फ्रेंड्स, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.